हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने आपको दो वीडियो में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज भी मैं इससे रिलेटिव आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊँगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक हार्मोन्स में परिवर्तन, ऑप्शन दो परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन तीन दोनों यानी हार्मोन्स में परिवर्तन और परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, हार्मोन्स में परिवर्तन और परिवहन प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो, टीकाकरण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ऑप्शन दो अर्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन तीन दोनों यानी प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा दोनों, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा दोनों ही टीकाकरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन, TAV वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक डायरिया, ऑप्शन दो पायरिया, ऑप्शन तीन टाइफाइड, ऑप्शन चार जुखाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, टाइफाइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक 7 अप्रैल, ऑप्शन दो 25 जून, ऑप्शन तीन 23 दिसंबर, ऑप्शन चार 12 सितंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक 7 अप्रैल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच, यूनिसेफ का लक्ष्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक मातृ एवं शिशु कल्याण, ऑप्शन दो जन स्वास्थ्य, ऑप्शन तीन मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन चार बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छः, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक सही आहार, ऑप्शन दो उचित दिनचर्या, ऑप्शन तीन गहरी नींद, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, उक्त सभी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के क्या उपाय हैं? सही आहार, उचित दिनचर्या और गहरी नींद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक शारीरिक, ऑप्शन दो मानसिक, ऑप्शन तीन दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों, ऑप्शन चार सामाजिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आठ, माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों अधिक आवश्यक है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक पोषक तत्व होते हैं इसमें सभी, और ऑप्शन दो संक्रामक रोग नहीं होते, ऑप्शन तीन संवेगात्मक विकास होता है, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, क्योंकि माँ के दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं और संक्रामक रोगों से बचने की क्षमता होती है और साथ ही संवेगात्मक विकास भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ, एड्स के लक्षण हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक वजन में कमी आना, ऑप्शन दो अतिसार की शिकायत, ऑप्शन तीन लंबी अवधि तक
हल्का ज्वर रहना। ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार उक्त सभी। एड्स के क्या लक्षण हैं? वजन में कमी आना, अतिसार की शिकायत और लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आहार नियोजन के लाभ हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन एक समय और धन की बचत, ऑप्शन दो कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन तीन दोनों समय और धन की बचत और कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो कार्य का सरलीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। विटामिन शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रसारित किया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक फंक, ऑप्शन दो वुड, ऑप्शन तीन जॉनसन, ऑप्शन चार एडिसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक फंक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन दो अमीनो एसिड, ऑप्शन तीन फैटी एसिड, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो अमीनो एसिड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक प्रोटीन, ऑप्शन दो वसा, ऑप्शन तीन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार। दूध में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक दालें, ऑप्शन दो सोयाबीन, ऑप्शन तीन मांस, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन मांस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रोटीन के कार्य क्या हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन एक शरीर का निर्माण करना, ऑप्शन दो शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ऑप्शन तीन हॉर्मोन्स का निर्माण, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार उक्त सभी। प्रोटीन का क्या कार्य है? शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत और हॉर्मोन्स का निर्माण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक सेल्यूलोज, ऑप्शन दो ग्लाइकोजन, ऑप्शन तीन लैक्टोज, ऑप्शन चार पेक्टिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक सेल्यूलोज, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक रोगों में प्रतिरोधक, ऑप्शन दो अस्थियों को शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन तीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का स्रोत है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक दालें, ऑप्शन दो सब्जी, ऑप्शन तीन दूध, ऑप्शन चार सोयाबीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक दालें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। यह वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी चीज जरूरी है वसा के उपयोग के लिए? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक प्रोटीन, ऑप्शन दो जल, ऑप्शन तीन विटामिन, ऑप्शन चार कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो जल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक प्रोटीन, ऑप्शन दो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन तीन वसा, ऑप्शन चार विटामिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।